मास्टर, ये तेरा स्कूल नहीं है। हट। देख के चल मास्टर। ए चल रहे। ए और ए उठाई से उठाओ उठाओ उठो बेटा, आराम से आराम से, संभल कर चल, संभल कर, संभल कर, बस बेटा बस। जा जा जल्दी से पानी लेकर आ। बहुत दर्द हो रहा है बेटा, है ना? लो ये लो। शरीर का दर्द सहने की ताकत तो है मुझ में, लेकिन मन के अंदर जो आग लगी है उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देखो, तुम जेल में आए हो इस बात के लिए तुम्हें रोने धोने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहां क्यों आए हो यह समझना जरूरी है। यहां आए हुए कई लोग महात्मा भी बने हैं। देखो बेटा, तुम पर जुल्म हुआ है, तुम पर अन्याय हुआ है और तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा। रहने दीजिए, सुपरिंटेंडेंट को कंप्लेंट करने से वही सब देख लेंगे। खून के बदले खून ही बहना चाहिए। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं। ये शेक्सपियर का कहना था, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, ये दुनिया एक रणभूमि है और हम सब सिपाही हैं और युद्ध ही हमारा धर्म है। मुजरिमों के साथ रह रहकर आपके मन में नफरत भर गई है, है? और ये जो नफरत है ये एक घटिया नुकीला हथियार है, इससे कभी किसी का भला नहीं होगा। तुम्हारे चुप रहने से वो तुम्हें छोड़ देंगे क्या?
तुमने किसका खून किया है पता है? राणा का, बेंगलोर का डॉन। बड़े बड़े मंत्रियों के सामने सिगरेट फूंकता था वो। और दूसरा वो रॉकी राजा, कोर्ट के सामने मर्डर करने के बावजूद राजा की तरह खुलेआम घूमता था। सुनो, उन्हीं के आदमी तुम्हारी बैल करवा कर तुम्हारे बाहर निकलने के बाद टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हारा कीमा बना देंगे, समझे? और कानून हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा। कानून के हाथों को पैसों की हथकड़ी ने बेटा बांध दिया है। आपकी बातें सुनकर मैं हथियार नहीं उठा सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मरने के बाद तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं, एक कुत्ता भी मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमें कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहिए। हम कब मरेंगे खुद हमें पता नहीं होता, लेकिन तुम्हारी मौत निश्चित हो गई। हाँ, ऊपर वाले ने हर एक को कोई ना कोई शक्ति दी है। उसने तुम्हें धैर्य की शक्ति दी है, दुनियादारी को समझने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है तुम्हें। ए, रुक बे, देख रहे हो, हमने इसे जिस तरह फोड़ा है, किसी और को फोड़ते ना तो एक हफ्ते तक नहीं उठता। हाँ, मानना पड़ेगा तुझे, तू तो चलने फिरने लगा। कल टपकाने की बजाय इसे आज ही टपका देते हैं। भाई साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? भगवान के लिए मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। बेकार में क्यों परेशान कर रहे हैं? है? शांत आदमी को गुस्सा मत दिलाइए, गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। तू साला नामर्द, हाँ? मास्टर, मास्टर, उठो बेटा, उठो, उठो बेटा। जितना तुम जुल्म सहोगे उतना ही वो लोग तुम पर जुल्म करेंगे। उठ जाओ बेटा, उन्हें मिटाने की शक्ति है तुम्हारे अंदर, उठो। छोड़ रहा हूं मैं तुम लोगों को, दोबारा मेरे रास्ते में आए तो जान से मार दूंगा। बिगड़े हुए बच्चों को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। बहुत अच्छे बेटा, तुम क्या हो ये तुमने बता दिया,
हाथी एक शांत प्राणी है, मगर उसे गुस्सा आने पर वो पूरे जंगल को तबाह कर देता है। आज से 25 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। कुछ पल के लिए मुझे तो लगा कि मैं ही लड़ रहा हूं। काका, आज के बाद हम लोग आराम से जेल में रह सकते हैं। अरे संभल कर, लगी क्या? मैं ठीक हूं। अरे बेटा, तू कितना रहम दिल का है, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी चिंता करने लगा। मुझे तो शक है, देखने में तू साधु संत जैसा लगता है। स्कूल में बच्चों के बीच अच्छा वक्त गुजार रहा था तू, फिर अचानक तुमने राजा और राणा का खून कर दिया। तुम्हारी उनसे कोई दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी? हाँ, दुश्मनी की बात कहां से आ गई? वो कौन है ये नहीं पता था मुझे। हाँ? सच कहूं तो मुझे उनका उनका चेहरा तक भी याद नहीं है। मैं तो अपने काम से, अपनी जिंदगी से काफी खुश था। 2x + 3x - 12 - x समानांतर श्रेणी के तीन प्रकार बन जाएं तो x का मूल्य क्या होगा, कल मैंने यही सिखाया था ना? हाँ सर। हाँ, तो आज ये गणित कौन सुलझाएगा? गाड़ी रोक बे। ए कहाँ पे चली गई मेरी बोतल? ले यार, कितनी पियो भाई साले, अभी तो पीना शुरू किया, बिंदास पीना, बी हैप्पी। ये पूरा एरिया आप उनका ही है। ए जी उठिए, देखिए ना। ए बेटा, इन लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, अंदर चलते हैं और सबकी खबर लेते हैं। और ठीक है, तुम दोनों यही गाड़ी है। हां भाई, चलो। ए शिव प्रसाद, ए शिव प्रसाद। हाय। सॉरी, काफी देर तक इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम मुझे एक नजर देखोगे इसलिए मैं एक साल से तुम्हारे पीछे पड़ा रहा, और ऐसे में आज तुम मुझसे बात कर रहे हो ये देखकर कितना खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। तो क्या मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ कविता। तुम्हें पाने के लिए तो मैं अपनी गुंडागर्दी भी छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी क्वालिटी क्या है वो पता है कि तुम एक गुंडे हो। अगर ये बात ना होती तो कोई लड़की तुमसे बात नहीं करती। कृष्णा, मैं यहाँ क्यों आई हूँ जानते हो क्या? मेरे लिए किसी को मारना होगा, मारोगे क्या? बस इतना ही? हाँ, किस लिए मारना है ये नहीं पूछूंगा, किसे मारना है सिर्फ इतना बता दो, काट कर फेंक दूंगा उसे। बताऊंगी किस लिए मारना है और किसे मारना है। कल रात वो मेरे घर आया और उसने मेरे साथ बदतमीजी की, इस बात की उसे सजा मिलनी ही चाहिए। कौन है वो? रंगा। रंगा? क्या हुआ, डर गए क्या? ग्रीटिंग कार्ड में गुलाब का फूल रखकर आई लव यू कहने वाले सिर्फ तुम एक ही नहीं हो। उसे मारकर, उसकी मौत की खबर सुनाकर मुझे आई लव यू कहना, तब मानूंगी मैं। चलती हूँ। रंगा कहाँ है? रंगा कहाँ है? हाँ, बोल, बोल। हे, रंगा कहाँ है? चुपचाप बता दे मुझे, समझे? हे, कल मेरी छावी के घर जाकर उसके साथ बदतमीजी की, हाँ? हे, मुझे देखकर वो खोपचे में छुप गया क्या? हाँ, बोल।
मास्टर जी क्या हुआ? तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो? अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? जब तुम सब मेरे पास पढ़ते थे तब तो अच्छे थे। मास्टर जी ये सब आपके समझ में नहीं आएगा, आप इस लफड़े में मत पड़िए। स्कूल का दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, उसको हमारे पास भेजिए। नहीं मास्टर जी। मास्टर जी के पीछे छुपने से छोड़ दूंगा क्या तुझे? छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो तुम? इससे बात काय को कर रहे हो? काट के फेंक दे। इज्जत दे, इज्जत दे। मास्टर जी है हमारे, मास्टर जी। आज मास्टर जी की वजह से तू बच गया, लेकिन साले तू मेरे हाथ से मरेगा जरूर, देख लूंगा तुझे। ए, खड़ा गया, चलना। ए, ये सब क्या है? जा घर जा। एक घंटे पहले क्या मैंने अपने हाथों से क्या इस राघव का एनकाउंटर कर दिया था। अरे बाप रे बाप, अब क्या हुआ? क्या कह रहा था? क्या इसको मैंने गोली मारी, ये गोली लगने से मरा है, और तू तलवार पे मुर्गी का खून लगाकर यहाँ हीरोगिरी कर रहा है, हीरोगिरी कर रहा है। मैंने खून नहीं किया, तू मार क्यों रहा है? अगर दोबारा तू यहाँ हीरोगिरी करते हुए नजर आया ना, तो मैं तेरा भी एनकाउंटर कर दूंगा, याद रहे। चलो भाई। बड़ा भाई बनता है तू, क्या आदमी है साला, झूठ बोलता है। चलो रे चलो। ये क्या हो गया? मेरे चेले भी मुझ पर थूक कर चले गए। ए, अबे तेरी जात का साले, मेरे यहाँ आने से पहले तू गोली लगने से मरा है, अगर एक बार भी बताता तो मैं तलवार उठाता ही नहीं। मुरली नमस्ते। हाँ, सर। क्या है रामनाथ? मेरा ये काम करवा हाँ, करवा दूंगा। हाँ। अच्छा चलता। नमस्ते। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सत्य प्रसाद है, मैं यही आपके पड़ोस में रहता हूँ। ओ मतलब आपका नाम हमारे वोटिंग लिस्ट में है क्यों? आप ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, हमारे मास्टर जी हैं। ये बात है, ऐसी बात है तो अपनी समस्या बताइए। हमारे एरिया में और स्कूल के पास गुंडागर्दी बदमाशी बहुत ज्यादा हो गई है, सुकून से काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसलिए अगर आप दूसरे स्कूल में मेरा ट्रांसफर करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या हमारे क्षेत्र में एक मास्टर को तकलीफ है? ए रंगा जी साहब, जरा देखो कौन बदमाश लोग हैं और जल्दी सुलझाओ। सर ये वही लोग हैं सर। क्या कहा, अपनी जबान को लगाम दीजिए। हाँ स्कूल के मास्टर हैं तो आप हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे? सर सर नहीं सर, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। ये सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और तुम इन्हें गुंडा कह रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सच क्या है, मैं सब जानता हूँ। सर सर मेरा ट्रांसफर। ट्रांसफर चाहिए? ये लो, हमको पागल समझ रखा है, पूर्व कहीं का कुछ भी बोलेगा हम सुनेंगे। आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? ला रही हूँ जी, हो गया। आज मैंने सबके लिए डोसा बनाया जी। डोसा बनाया? मैंने चटनी बनाई है। मैंने थाली बनाई है भैया। जल्दी दो, जल्दी दो, भूख लगी है। हे शादी कर, शादी कर, तुझसे कह रहा हूँ, सुख शादी में होता है। शादी कर कहा तो बात टाल जाता है, जो लोग जल्दी शादी करते हैं उनकी उम्र भी लंबी होती है ऐसा कहते हैं। चल तू खाना खा। हेलो गुरुजी। हाँ देता हूँ भैया, गुरुजी का फोन है। गुरुजी? हाँ गुरुजी, बस आ रहा हूँ गुरुजी। हाँ हाँ वहीं मिलते हैं, ठीक है निकल रहा हूँ गुरुजी। हो गया भैया। अरे गुरुजी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। हाँ पूरे 15 साल हो गए तुमसे मिले हुए, लेकिन पुरानी बॉडी बिल्कुल मेंटेन करके रखी है। अरे ये तो बिल्डर बन गया है। सब ठीक है ना गुरुजी? हाँ सब ठीक है, मेरा भाई ही अब मेरा सारा धंधा संभालता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा गुरुजी,
इस तरह अचानक दुबई से आप यहाँ आ गए, बात क्या है? क्या है ना, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, उसका अच्छे घर में रिश्ता तय करके यहीं सेटल होने के बारे में सोच रहा हूँ। आखिर में अपना मुल्क है यार, यहाँ ज्यादा खुशी और कहाँ मिलेगी, क्या बोलता है? आपने बहुत अच्छा फैसला किया गुरुजी। वो क्या है ना रॉकी, दुबई में मैं अपने सारे केसेस किसी तरह सेटल करके यहाँ तो गया हूँ, लेकिन इस शहर में वो साला पागल प्रकाश है ना, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। गुरुजी मैंने पहले ही उससे बात करके अपनी मीटिंग फिक्स कर दी है, अब आपके वहाँ जाते ही आप दोनों के बीच एकदम 100% कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आइए चलते हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। क्या प्रकाश, सब ठीक है ना? अभी तक जिंदा हूं मैं। देख यार, जिंदगी भरोसे से चलती है, समझा ना? अगर हम सबके साथ ठीक रहे ना तो कोई भी अपना बाल बांका नहीं कर सकता। मेरी बात सुन, अपने गुरुजी यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने आए हैं, जल्दी से दोस्ती का हाथ बढ़ा। देख प्रकाश, गुरुजी यहाँ एक अच्छे नेक उद्देश्य से तेरे साथ मांडवली करने आए हैं, इस फैसले से पूरा फायदा सिर्फ तुझे ही होगा। ओके ओके, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आज के बाद कभी भी तुम्हारे आदमियों ने मेरे आदमियों पर हमला किया तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, चलेगा ना? ठीक है ठीक है, चलेगा। थैंक्स प्रकाश। थैंक्स बोलना है तो मुझसे मत बोलो, राजा को बोलो। प्रकाश अब हम चलते हैं, मेरी बात मानकर शराफत से मांडवली की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजा अपने इस भाई को कहना कि जरा काबू में रहे। ए रंगा, दो मिनट में काम खत्म करके आ। ठीक है भैया। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मारो साले को। रंगा रंगा, हे छोड़ दे मुझे, छोड़। ऐसा मत कर, हे मास्टर जी, मास्टर जी बचाइए मुझे, बचाइए, देखिए मुझे मार देंगे। अरे ला ना, मैं कर देता हूँ। बेकार में तुम लोग अपने लफड़े में मुझे क्यों घसीटते हो, मेरा तुम लोगों से क्या संबंध है? तू बार बार मेरे पीछे क्यों आता है? ए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। सुनो तो तुम भैया साले, तूने मेरे भैया को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोडूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ जा रहे हो? सुनो, हे भगवान, ये सब क्या हो किसी की जान लेने का हक उस भगवान के अलावा और किसी को नहीं है, ऐसा मेरा मानना था। मेरे घर में एक चींटी भी आती थी तो मैं उसे बाहर निकाल देता था, कभी मारता नहीं था, और ऐसे में मेरे हाथों से दो इंसानों की मौत हो गई। अच्छा बेटा, तुम्हारा गांव कौन सा है? रामपुर।
वहां के मंदिर में मेरे पिताजी शहनाई वादक हैं। बच्चो आओ आओ प्रसाद लो आओ। ये भगवान का प्रसाद है। इधर आ। हाँ बाबा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। पापा। इसे ठंडा होने के बाद खाना। भगवान सब ठीक करेंगे। जाओ 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 जाओ। अरे अरे तुम्हें तो भूल ही गया। आओ 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 आओ। आई जी लो भगवान का प्रसाद। भगवान सब भला करेंगे। मेरा बेटा। आओ बेटा। बेचारा आज ना मेले में घूम घूम कर बहुत थक गया है। अच्छा जी बताइए, इसे आप हर प्रोग्राम में अपने साथ लेकर जाते हैं ना, आगे आपकी क्या इच्छा है, इसे क्या बनाना चाहते हैं आप? कमला, इसे मैं ना मैं एक बहुत बड़ा सहनाई वादक बनाना चाहता हूँ कमला। और वैसे भी अपना नाई का काम तो है ही, मैं चाहता हूँ साथ में ये वो काम भी करे। देखो कमला, हमारा वंश संगीतकारों का वंश है, इस बात का ना मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। मेरे मरने के बाद ना ये भी मेरे रास्ते पर चले, ऐसी मेरी इच्छा है। कमला, अगर हम कोई भी काम करते हैं ना तो हमें उसे पूरी लगन से करना चाहिए। मैं इसे बहुत काबिल इंसान बनाऊंगा कमला, समझ गई? लेकिन मुझे लगता है भगवान की इच्छा कुछ और ही है। मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, इसके सब मास्टर इसकी तारीफ करते हैं। मुझे तो लगता है मेरा बेटा बड़ा होकर इस स्कूल का एक बहुत बड़ा मास्टर बनेगा, मेरी आत्मा कहती है जी। बच्चे कितने हैं? दो हैं। क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं। दोनों लड़के हैं क्या? नहीं, एक लड़का है एक लड़की है। क्या है? ठाकुर जी आपको बुला रहे हैं। आता हूँ, तुम जाओ। बेटा एक मिनट रुको, मैंने अपने बॉस के बारे में बताया था, वो तुमसे एक काम के बारे में बात करना चाहते हैं। वो तुम्हें बेल पर छुड़ाने वाले, उसी काम के लिए तुमसे कोई बात करने के लिए आया है। तुम जाकर उनसे मिल लो, जाओ। बहुत मुश्किल है मास्टर जी। कृष्णा, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है,
अगर वो पता चल जाए तो काम हो गया समझो। मैं कुछ समझा नहीं। इसकी कमजोरी क्या है ये पता लगाना है। पैसे होंगे, मुझे लगता है इसकी कमजोरी पैसे ही होंगे। ला 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 ला। साहब 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 साहब, एक मिनट साहब, एक मिनट। नमस्कार साहब। साहब मेरा नाम सदानंद गोडबोले है। मैंने आपको कभी नहीं देखा है, यही पहली बार आपको देख रहा हूँ। आप बहुत दिलदार है, आपको देखते ही पता चल गया। वैसे आपका बिजनेस क्या है? इस दुनिया में मेरे चार बिजनेस चलते हैं। डुप्लीकेट पैसे छापना। साहब आप कहा दीजिए, आपको मेरी मदद करनी होगी ना, मत बोलना। अगर हम ओरिजिनल नोट दे तो वो नोट कितना देंगे साहब? पांच। एक नोट का पांच नोट। एक नोट का पांच नोट। मैंने अभी अभी ये बिजनेस शुरू किया है, इसलिए मार्केटिंग करने के लिए कोई अच्छा आदमी ढूंढ रहा हूँ। साहब अगर आप हाँ कहे तो मेरी पहचान में एक पार्टी है, मीटिंग फेस कर दूं क्या? भरोसेमंद होना चाहिए। अरे हाँ 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 साहब, भरोसेमंद ही है। साहब 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 एक मिनट, ये क्या साहब? भरोसा भरोसा। हाँ, भरोसा भरोसा है। आइए आइए, यही है लक्ष्मी भाई का महल। दरवाजा खोल रहे, बहुत बड़े साहब आए। आइए आइए आओ ना। या साहब या 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 इकड़े या या इकड़े इकड़े इधर 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 आओ। ये है हमारे लक्ष्मीकांत भाई, इस शहर के किंग भाई। ये है वही वो। मेरा नाम मेहता है। मेरा पूरा बिजनेस हांगकांग, दुबई, सिंगापुर में फैला है, और मैं खास करके गांजा, अफीम, कोकेन का बिजनेस करता हूँ। ये जाली नोटों का बिजनेस मैंने अभी अभी शुरू किया, इसलिए मैं अच्छी पार्टियों की तलाश में यहाँ आया हूँ। फिर इन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया। भाई अगर आपको लेना है तो एक का पांच दूंगा, क्या बोलते हो? फैंटास्टिक मिस्टर मेहता, मुझे तो यकीन नहीं नहीं हो रहा है। असली नोट भी इसके सामने नकली दिखाई देंगे, कोई भी ने देखकर ये नकली है ऐसा बोल ही नहीं सकता। मैं अमेरिकन डॉलर, जापानी येन, इंग्लैंड पाउंड, बहुत सी फॉरेन करेंसी से खेल चुका हूँ। अब आप इंडियन करेंसी लेकर आए हैं, इनके साथ भी एक दाव खेल लेता हूँ। लक्ष्मी भाई तो मान गए। मेहता जी आज से बिजनेस की शुरुआत कर दीजिए। देखिए लक्ष्मीकांत जी, मैं इस शहर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पुलिस वालों से मेरे को खतरा है। इसलिए अगर आपको मंजूर हो तो एक ही बार में सौदा करें क्या? आपकी बात मैं समझा नहीं। मतलब मेरे पास कितने नोट है ये मैं भी नहीं जानता। अगर आप राजी होते तो सारे नोट आपको देकर मैं दुबई चला जाऊंगा। ठीक है मेहता जी, आपके पास जितने भी पैसे हैं सब मैं ले लूंगा। फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। तो ठीक है, मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ। तुमको चलेगा? चलेगा। गुड बोले, आपको बाहर छोड़कर आओ। साला। क्या सोच रहे हैं मास्टर जी? इस लक्ष्मीकांत से पैसे कैसे वसूल करूं यही सोच रहा हूं। क्या आप सपना देख रहे हैं मास्टर जी? आपने देखा नहीं उस लक्ष्मीकांत के घर के चारों तरफ कितना सख्त पहरा लगा हुआ है? उसके नजरों से बचकर एक चींटी का भी अंदर जाना मुमकिन नहीं है। और ऐसे में हम
मास्टर जी, हम इसी वक्त यहाँ से वापस चलते हैं। जिसने हमें ये काम दिया था हम उसके सारे पैसे उसे वापस कर देंगे। हम ये काम नहीं करेंगे, चलिए। कृष्णा, मेरे कदम अब पीछे नहीं हटने वाले। जाने अनजाने में ही सही, मैं इसका चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका हूं। ना तो मैं अभिमन्यु हूं और ना ही चक्रव्यूह के बारे में जानने वाला। भगवान श्री कृष्ण हूं मैं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो अंदर जाकर जीत हासिल करूं या अपनी जान गवाऊं। तू अभी बहुत ही छोटा है, तुझे अभी बहुत दुनिया देखनी है। मेरे साथ चलेगा तो भगवान ना करे कुछ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस जंग की हार जीत का फैसला मैं तय करूंगा। जा बेटा। नहीं मास्टर जी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। मेरी इस हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो, सोचकर इस बात का प्रायश्चित करने के लिए मेरे साथ रहोगे। को नहीं मास्टर जी, चाहे कुछ भी हो अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। इसका फैसला मैं कर चुका हूं भगवान के लिए, मुझे दूर मत कीजिए। आज के बाद जिंदगी में मैं कभी किसी की मदद नहीं लूंगा, ऐसा मैंने ही फैसला किया था। तुम्हारी वजह से पता नहीं और क्या क्या होगा। होने दो, या तो जिएंगे या फिर मरेंगे। लक्ष्मीकांत जी। नमस्ते मेहता जी। पैसे लेकर आ गए क्या? लाइए लाइए, कहाँ है? नहीं लक्ष्मीकांत जी, रकम थोड़ी ज्यादा है इसलिए मैं ला नहीं पाया। एक काम करिए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहीं देता हूँ। हे भगवान, मेहता, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता, ये बात तुझे अच्छी तरह से पता है। फिर भी तू मुझे यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा दिमाग लगाया तूने। सच बता, कौन है तू? अभी तो तुमने नाम लिया था मेहता। मेहता? तेरा नाम मेहता नहीं है, ये झूठ है। तू मेहता नहीं है। ए, कल जब तूने मुझे ये पैसे दिए तभी मैं समझ गया था ये नकली नोट नहीं असली नोट है। मैं देखना चाहता था कि तू कौन सा गेम खेलता है, इसलिए मैं चुप रहा। जब तुम इतना कुछ समझ ही गए हो तो अब तुमसे झूठ बोलना मुझे भी पसंद नहीं आएगा। मुझे सब नाम से जानते, साई मल्लेश ने मुझे यहाँ भेजा है तुझे ऊपर पहुंचाने। खुद को कहता है और पागलों की तरह बात करता है, तो इस वक्त लक्ष्मीकांत के अड्डे में, मतलब शेर की गुफा में है। तो यहाँ से जिंदा बचकर कैसे जाता है मैं भी देखता हूँ। लक्ष्मीकांत, मौत के खौफ से तूने चारों तरफ से जो लोहे की दीवार बना रखी है जिसमें तू रह रहा है वो एक शेर की गुफा है, ये सोचना गलतफहमी है। चल मान लेते हैं ये शेर की गुफा है, लेकिन मैं इस गुफा के अंदर आ गया, मतलब तुझे मेरी ताकत का अंदाजा हो ही गया होगा। चल छोड़िए सर, साई मलेश का जो पैसा है वो मुझे दे दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। ये पैसे मांग रहा है, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। पैसे पैसे चाहिए पैसे। इस लक्ष्मीकांत की गुफा में जान की भीख भी नहीं मिलती। मारो, Yeah!
क्या बात है, एक डील क्या फाइनल कर दी, मुझे मीटिंग स्पॉट बताने जितनी औकात हो गई। मैंने वो काम किया जो तू जिंदगी में मरते दम तक नहीं कर। बात यह है कि मेरे साथ काम करके मुझे डबल क्रॉस किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चुपचाप मेरे पैसे निकालो। पैसे पैसे नहीं दूंगा, अब ये पैसे मेरे हैं, समझा? तुझे जो करना है करने। तू अच्छी तरह जानता है ना मैं क्या चीज हूँ। अच्छा, ये देख, मेरा शिकार है। आपने उसके बेल क्यों करवाई? देख, जिस काम के लिए मैंने उसे छुड़वाया है ना, वो काम खत्म करके उसे आ जाने दे, बाद में उसे तेरे हवाले कर दूंगा। पीठ पीछे वार करने की सोच रहा था, कोई बात नहीं, अब सीधे सामने से वार करूंगा। देख मास्टर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यहाँ तू इस धंधे में रहेगा या मैं रहूंगा, सोच ले। या तो तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा, चल मैं ही रह जाता हूँ आराम से। अगर मैं चाहूँ तो तुझे मैं यही इसी वक्त मार कर तेरा नामो निशान मिटा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुझे मैं 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, अपना इरादा बदल कर मुझे मेरे पैसे ला कर देगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर एक काम करना, तू कल तू मेरे अड्डे पर आना और वहां से जिंदा जाकर दिखाना, तब मैं ना वो सारे पैसे तुझे इनाम समझ कर दे दूंगा।
तुम जैसे लोगों की बहुत सी इच्छाएं होती हैं, जीने की तमन्ना होती है, अपना ऐसा कुछ नहीं है। आ जाऊंगा तेरे अड्डे पे। कैसा भी रोड हो, ये गाड़ी को चलाता ही नहीं, एरोप्लेन की तरह मस्त उड़ाता है। गुड ड्राइवर, आइए। आइए मास्टर जी। अंदर आइए। ये रहा बाथरूम। जी कहिए। ए, वो सब बाहर रख। हाँ ठीक है सर। ए, ए तू नहीं, इधर आ, किताबें दे मुझे। इस राजनीति से हमारा क्या संबंध है मास्टर जी? पार्लियामेंट में बैठकर ये मंत्री लोग भी वही करते हैं। तुम ये सब नहीं समझोगे, छोड़ो। ये लो, इनसे तुम तरकारी खरीदो। नमस्ते भाई। बैठ जाओ। बैठने को बोला फिर बैठ क्यों नहीं रहे हो? तुम लोगों की नजर में मेरे लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है। हाँ भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, उस मास्टर को आप ही ने काम दिया था और उसने आप ही के साथ धोखा कर दिया। हाँ, सोचा मास्टर है, नया है, पूरी ईमानदारी के साथ मेरा काम करेगा, सोचकर मैंने उस पर भरोसा किया और उस साले ने मेरी पीठ पे छुरा भोंक दिया। लोग मेरे नाम से कांपने लगते हैं और वो साला मुझसे नजरे मिलाकर बातें करता है। मानना पड़ेगा भाई, लगता है साले में बहुत हिम्मत है भाई। हिम्मत किसे कहते हैं पता है? दिल में डर होते हुए भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा ऐसे पेश आना। साला कमीना बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। आज उसे यहाँ आने दो। क्या मास्टर जी, हमारे से ही पंगा? ए, हमने इसे यहाँ काम देने के लिए नहीं बुलाया, मैंने इसे रास्ता दिखाया। ये मेरा ही रास्ता काट रहा है, भरोसा करके इसे काम दिया और ये अब मेरा भरोसा तोड़ के मुझे ही धोखा दे रहा है। आ जाओ। मैं अपनी जान हमेशा अपनी जेब में लेके घूमता हूँ, ताकत है तो लेके दिखाओ। कृष्णा जी। मास्टर जी, ये पाप का काम कुछ रास नहीं आ रहा है। हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब डालने वाले लोगों को जिंदगी भर इस गलती का पछतावा होता रहा, उसी तरह का पछतावा मुझे भी हो रहा है। करेक्ट। अरे, अरे, अरे कौन हो तुम? अरे, उठो, जी, उठो, उठो, उठो।
मदद करिए। क्या हुआ? उस मारवाड़ी गोपी से अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने 50,000 रुपए लिए थे। उसने कोरे कागज पे दस्तखत भी लिया था और कहा था कि 5% ब्याज लेगा, लेकिन उसने 20%। हमने तो सिर्फ 50,000 रुपए लिए थे, मेहनत मजदूरी करके 1,25,000 रुपए भर भी चुके, फिर भी वो घर आके झगड़ा करते। हमारी मदद कीजिए। आओ अशोक, एक ग्लास पानी और पेन पेपर लेकर आ। अच्छा, आपका नाम क्या है? बाबू राव है पास्टर जी। बाबू राव, ये लो। लो, तुम्हें लिखना आता है क्या? हाँ, लिखना आता है मास्टर। बैठो, मैं जो कहता हूँ वो लिखो। मैं बाबू राव, मेरी मौत के जिम्मेदार। अरे जो बोलता हूँ वो लिखते जाओ, लिखो। मारवाड़ी गोपी और उसका बेटा जैकी ही होंगे। कर्ज लौटाने के बावजूद वो और पैसा चाहिए कहकर परेशान करते हैं। मुझे और मेरी बीवी बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचा रहे हैं, इसलिए मैं मजबूर होकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मास्टर जी, वो पीने से मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मैं मरूंगा तो नहीं ना? तुम मेरी बात सुनोगे क्या? देखो, एक छोटी सी टिक 20 की बॉटल लो। तुम्हारी पत्नी को दुकान में भेजो, बच्चों को बाहर भेज दो। टिक 20 का एक चम्मच लेकर पेप्सी के बॉटल में डालकर जैसे ही तुम्हारी पत्नी घर पहुंचे उसी वक्त पी लो। और तुम शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करके मुझे फोन कर देना, मैं आकर सब संभाल लूंगा। आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही जाइए ना। देखो, जो मैंने कहा है वो करो। मास्टर जी, सचमुच मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं? तो फिर बेफिक्र होकर जाओ। मास्टर जी। अच्छा मास्टर जी। ये भगवान, मेरे पति ने जहर पी लिया है। मर रहा हूं। अब क्या होगा? कोई बचाओ इन्हें। हे भगवान, क्या हो गया? कोई बचाओ। यमदूत आ रहे हैं, मैं मर रहा हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, सब ठीक हो जाएगा। नर्स, सही समय पर इन्हें गोलियां देते रहना। चलिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना इनकी क्या हालत हो गई है उस मारवाड़ी गोपी की वजह से। ठीक है, शांत हो जाइए। इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस मामले में ठोस कदम उठाऊंगा। अच्छा बहन, अब ये कैसे? डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। इंस्पेक्टर, आपके सर्कल में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक मिनट बाहर आइए। ए गोपी, तू और तेरा बेटा खुद को क्या समझते हैं? कल रात को उस औरत के घर में घुस के उसके साथ बदतमीजी से पेश आया। गलती हो गई साहब, जो होना था हो गया, अब क्या करना है बताइए। अब तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। अपने हाथों से सुसाइड नोट लिखकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है, और इसके लिए तू और तेरे बेटे को जिम्मेदार ठहरा है। अरे मुसीबत के समय मैंने पैसे दिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं कहा। माना तूने उसे आत्महत्या करने के लिए नहीं बोला, लेकिन उसने मजबूर होकर आत्महत्या करने के लिए तूने पूरा इंतजाम करके रखा था। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, हिसाब चुकता हो गया है, ऐसा मैंने इसमें लिख दिया है। साइन करो, निकल। ये तो सरासर नाइंसाफी है। ओए, क्या हुआ? चुपचाप साइन करके यहाँ से निकल ले, वरना तेरा थोबड़ा गोल कर दूंगा। जबरदस्ती साइन करवाना अच्छी बात नहीं है। तू ऐसा बोलते हैं, एक एक को काट दूंगा। इस रंगा भाई की कोई इज्जत ही नहीं बची क्या? आज दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा, या मैं रहूंगा या फिर वो कमीना मास्टर रहेगा। अरे अरे, आंटी क्या सॉलिड है,
ए सुन ना, ये तेरे लिए भी सेफ है, अब मेरे लिए भी। रिलैक्स भैया, मैं वैसी औरत नहीं हूँ, मुझे जाने दो। भैया, अरे आज के दिन तो बना मुझे सैया। रुक जाना, कहाँ जा रही है? क्या बे, तेरे खानदान की रोड पे मरने की परंपरा है क्या साले? भैया, उस दिन तेरे भाई ने शान पट्टी दिखाई और मेरे हाथों मारा गया। मेरी बात राज, तू भैया छोड़ जान ले। उस दिन मेरा भाई गलती से मर गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आज आज मैं तेरा गेम बजाऊंगा साले। ए, 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 मेरे पास मत आ, हाथ मत लगा। ए, ए, मेरे पास मत आ। नहीं मास्टर जी, मरना मत, नहीं मुझे मत मरना। इन्हीं हाथों से छोड़ दे। नमस्ते भाई। भाई ठीक है उठ मत, लेटा रहे। कोई मारा जाता है तो इज्जत चली जाती है, और इज्जत जाने से डर खत्म हो जाता है। उसने तेरे भाई को मारा, मैं कुछ नहीं कर पाया। अब तुझे भी खो दूं ये मुझे गवारा नहीं। अब देख तू, इस बार वो मुझसे नहीं बच पाएगा। नहीं भाई। हाँ बोल चंकी, क्या हुआ? मास्टर जी कहाँ हैं आप? घर में। क्या हुआ, तू डरा हुआ क्यों है? मास्टर जी रंगा और उसके आदमी आपको मारने के लिए आ रहे हैं, इसी वक्त आप घर से चले जाइए। हाँ मेरे बारे में फिक्र मत कर, अपना ख्याल रख। ठीक है मास्टर जी। मास्टर जी देखिए ना मेरी मासूम बच्ची का क्या हाल किया। मास्टर जी आप लोग रोइए मत, हौसला रखिए। ये कैसे हुआ? कल रात को आकर चार लड़कों ने उसका रास्ता रोका और उसे कार में उठा कर ले गए। परसों रात नशे की हालत में भावना नाम की लड़की का बलात्कार किया गया, जिसमें उसकी मौत हो चुकी। इस घटना के आरोपी के साथ साथ चार और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ये भी पता चला है कि ये चारों लोग 18 से 19 साल के लड़के हैं। ये लड़के समाज के नामचीन व्यक्तियों के बच्चे हैं, ये भी सुनने में आया है। आज सुबह सभी लड़कों को मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया, और मैजिस्ट्रेट ने सभी लड़कों का बेल सैंक्शन कर दिया है। इस तरह गिरफ्तारी के एक घंटे के तुरंत बाद ही सभी लड़कों को बेल मिल चुकी है। यशोदा जी आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए इस घटना से हमारे बच्चों का कोई संबंध नहीं है। सच कहे तो शराब क्या होती है ये भी इन्हें नहीं पता, और इस घटना के दौरान हमारे बच्चे हमारे घर पे ही थे। अगर आपको चाहिए तो हम इसका सबूत भी दे सकते हैं। सच कहूँ तो उस लड़की का चाल चलन भी ठीक नहीं था, पैसों के लिए उसने ये सब किया है। हमें बदनाम करने के लिए विरोधी पक्ष वालों ने उसके माँ बाप को पैसे देकर ये काम करने के लिए कहा है। अब तुम जाओ यहाँ से, हमें बहुत से काम करने हैं, चल। गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती है क्या? लड़कियाँ फूल जैसी होती हैं, उन्हें देख कर खुश होना चाहिए, ना कि इस तरह उनके साथ। कृष्ण, मच्छर अगर गाय के स्तन पर बैठ भी जाए ना तो खून ही पीता है, दूध नहीं। इन लोगों को मसल डालो। Yes! जब तक हमारे बाप लोगों का राज रहेगा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एंजॉय करो। एक लड़की की इज्जत के साथ खेल कर तू यहाँ बैठ कर एंजॉय कर रहा है?
भागो, अरे भाग बे। लड़की के साथ भाग क्यों? तो सारे जान से मार दूंगा। देख क्या रहा हाँ? चल भाग, चल भाग, भाग यहाँ से। नहीं, साले नामर्द कहेंगे। तू? कृष्णा, जैसा नाम है वैसे ही काम किया है। इस दुनिया में जब जब अधर्म होगा, मैं तब तब आता रहूंगा, ऐसा उस कृष्णा ने कहा था। वो नहीं आएगा। अन्याय और अधर्म होता देखकर जिसका खून खौलता है वो इंसाफ करता है, वही कृष्णा है। इस केस का फैसला जो भी होगा हमारे हक में होगा। यहां बैठिए, खाना खाइए। मुझे इस पर बैठने की आदत नहीं। साहब यहीं बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मास्टर जी, मास्टर जी। रुकिए, क्या चाहिए आपको? मेरा नाम शंभुनाथ है। मास्टर जी, मास्टर जी बाहर गए हैं, बाद में फोन करके आइएगा। चलिए जाइए जाइए। मुझे पता है वो इसी घर में रहते। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं जी? मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। कौन है आप लोग? मेरा नाम शंभुनाथ है। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके मास्टर जी का पिता हूँ। आप मास्टर जी के पिताजी हैं? अरे आप ही हमें बचा सकते हैं। मास्टर जी से आप ही हमें बचा सकते हैं। अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे साहब। नहीं भाई, आपके बच्चे रास्ते पर क्यों आएंगे? ये तो मास्टर का घर है। शायद आप गलत जगह आ गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा बेटा किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वो भला और उसका स्कूल भला, वो बहुत शरीफ आदमी है। ये कैसे हो सकता है मास्टर जी? वो तो बहुत बड़े गुंडे, आपको पता नहीं क्या? आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरा बेटा गुंडा नहीं है, मास्टर है, बच्चों को पढ़ाने वाला मास्टर। अरे साहब जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले तो वो मास्टर ही थे, लेकिन अब ना पूरे शहर को अपनी उंगली पर नचाने वाले बहुत बड़े गुंडे बन चुके। वो मेरा खून कर देंगे, ऐसा उसने कहा था साहब। उन्होंने कहा तो मुझे मार ही डालेंगे। पता है उनके हाथ में कागज कलम नहीं होती, उनके हाथ में चाकू तलवार होती है। किसी भी तरह हमें बचा लीजिए साहब जी, हमें बचा लीजिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। अब मुझे ही बचाने वाला कोई नहीं है, तो मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? चलिए आप, चलिए चलिए यहाँ से। ये दिन उसको देखना ना पड़े इसलिए उसने पहले ही आंखें बंद कर ली। मैं पापी हूँ, इसलिए अब तक जिंदा हूँ, इसलिए जिंदा हूँ। अशोक, जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आ। लाया साहब। मास्टर जी, गांव से आपके पिताजी आपसे मिलने आए थे। क्या, पिताजी आए थे? हाँ। कहाँ है पिताजी? पिताजी, पिताजी। वो यहाँ नहीं है, उसी वक्त चले गए। क्या, वो चले गए? कहाँ? पुराने घर के पास आपको ढूंढ रहे थे, मैं उन्हें यहाँ ले आया। ये घर देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। मैंने उनके लिए खाना भी परोसा, फिर अचानक वो शंभुनाथ यहाँ आया और उन्होंने आपके पिताजी को बता दिया कि आप एक गुंडे हैं। अरे उनके यहाँ आते ही मुझे फोन क्यों नहीं किया? अब वो
नमस्ते मास्टर जी। अच्छा मेरे पिताजी को देखा क्या? उनको तालाब की तरफ अच्छा, जाते अच्छा, देखा। अच्छा ठीक है चलता हूँ। हाँ। बेटा प्रसाद, विधि का खेल तो देखो, मैंने तुझे श्री रामचंद्र जी की तरह पाला था बेटा, लेकिन तू रावण बन गया। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? सबको सही रास्ता दिखाने वाला तो इस तरह रास्ते से भटक जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब देखने के बाद मैं जिंदा क्यों रहूं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मैं अपने आप को खुद ही सजा देने जा रहा हूँ। मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। अपने पापी हाथों से मेरी चिता को आग देने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं दुआ करता था कि हर जन्म में तू मेरा बेटा बनकर पैदा हो, लेकिन अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है तो तुझे मेरा बेटा बनकर इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। आप बैठिए। वो सब तुम्हारे ही हैं। वो पैसे तुम्हारे लिए रखे हैं। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस यूं ही देख रही थी। कोई बात नहीं, ले लो, ये सारे पैसे तुम्हारे लिए ही हैं। मेरे लिए? क्यों? हाँ, तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ पैसों की नदियाँ बहेगी। अब तक तुमने जो भी सपने देखे हैं वो सारे सपने सच होकर वो तुम्हारे पैरों के नीचे आकर जिंदगी भर फड़फड़ाते रहेंगे। सच? राजू जी। सर, बाहर एक नई कार तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो भी तुम्हारी है। ये बंगला जो है ना, ये भी तुम्हारा ही है। मेरा है? आप तो मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। डरो मत, तुम्हें तो सिर्फ किसी को समझाना है। ये काम करने से ना ही तेरा हाथ मैला होगा और ना ही तेरी जवानी पर कोई दाग लगेगा, और इतना ही नहीं, तेरा एक बाल भी बांका नहीं होगा। बस समझाना है। मेरी बातों में इतनी शक्ति है क्या? क्या मैं MLA हूँ, MP हूँ या फिर मंत्री हूँ जो सिर्फ मेरी बातों से आपका काम हो जाएगा? देखिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं शिव प्रसाद जी की बेटी कविता हूँ। मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, मेरी बातों में इतनी शक्ति नहीं है। देखिए, आपको किसी ने मैं MLA की बेटी हूँ ऐसा गलत कहा है। मैं जानता हूँ तुम शिव प्रसाद जी की बेटी हो और तुम्हारी माँ का नाम शारदा है। तुम्हारे पिता एक प्रोविजन स्टोर चलाते हैं और तुम कॉलेज में पढ़ती हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें यहाँ बुलाकर मैंने कोई भी भूल चूक नहीं की है। तुम्हारी बातों में बहुत दम है, मैं जानता हूँ। कहिए, मुझे क्या करना है, किसे क्या समझाना है? नहीं हो सकता, मुझसे ये काम नहीं हो सकता।
अगर मैंने ये बात कृष्णा से कही तो वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और मैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए और ये बंगला भी नहीं चाहिए। गुड बाय। जरा यहाँ तो देख लक्ष्मी, ये लक्ष्मी तेरे पास खुद चलकर आई है। घर आई हुई लक्ष्मी को लात मारकर अपनी तकदीर से खिलवाड़ मत कर। जिंदगी में ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। एक बार सोच ले, अच्छी तरह सोच ले। अरे बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर यहाँ रुको। अरे अरे हे हे कविता रुको। कविता ये सिर्फ बारिश नहीं है, प्रेम की बारिश है। इस बारिश में भीग कर तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिस तरह बारिश के स्पर्श से ये धरती खिल जाती है, ताजा हो जाती है, उसी तरह हमारा प्यार भी और ताजा हो गया है। ए, तुम्हारे अंदर कोई शायर घुस गया है क्या? बारिश में भीगना मुझे पसंद है और तुम्हारे साथ भीगने का मजा कुछ अलग ही है। कविता मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ क्या? और वैसे भी मुझे आगे चलकर तुम्हारे साथ ही तो जिंदगी बितानी है। हे, क्या हुआ कृष्णा, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे नहीं पता कविता, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों को देखा लेकिन उनमें से कोई भी मेरे दिल को नहीं भाई। कविता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। कृष्णा तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो भी कोई जिंदगी है? What? मास्टर जी के टुकड़ों पर पलते हो, तुम्हारा अपना क्या है? मैं जिंदगी में हमेशा से महत्वाकांक्षी रही हूँ, तुम्हें मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनता देखना चाहती हूँ। ठीक है बोलो मैं क्या करूँ। ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम एक कठपुतली हो, सिर्फ एक गुलाम हो। ए, मैं क्या चीज हूँ तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। बताओ क्या करना है, दो मिनट में करके दिखा दूंगा। तो सुनो। नहीं। अगर इस तरह ना कहोगे तो कैसे चलेगा? अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मैंने जो कहा वो तुम्हें करना होगा। What is this? टीवी में भी मास्टर जी, पेपर में भी मास्टर जी, जहाँ देखो वही मास्टर जी। कौन है ये मास्टर जी? हमारे डिपार्टमेंट के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बोलिए। मास्टर जी ने किसी मासूम इंसान के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया सर। देखिए सच्चाई चाहे जो भी हो उसका फैसला हम नहीं कोर्ट करेगी। जितनी जल्दी हो सके उसे अरेस्ट करके राज्य से तड़ी पार करने का इंतजाम कीजिए। मेरे सर पे हर तरफ से प्रेशर है, विद इन 8 आवर्स वो हमारी कस्टडी में होना चाहिए। उन मंत्रियों के बच्चों के मैटर के कारण आपको अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट इशू हो गया है और मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया है। मतलब आप मास्टर जी को अरेस्ट कर लेंगे क्या? हाँ अगर आपने मास्टर जी को अरेस्ट किया ना तो पूरे शहर में दंगा शुरू हो जाएगा। मास्टर जी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। hey, कृष्णा। मास्टर जी आप कहिए। देखिए आप मेरे बारे में गलत मत समझिए मास्टर जी, मेरी हालत तो धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है। मुझे खुद कितना बुरा लग रहा है मैं आपको नहीं बता सकता। आपको अरेस्ट करने की ताकत मुझ में तो नहीं है लेकिन इस विषय में अब आपको ही मेरी कुछ मदद करनी होगी। ठीक है लेकिन अभी नहीं, रात को 1 बजे तक मैं खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा। ठीक है मास्टर जी। मास्टर जी को, 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 मास्टर जी को। देखिए मेरी बात सुनिए, सब लोग शांत हो जाइए। पुलिस वाले शांत हो जाइए, मास्टर जी खुद आकर आप लोगों से बात करेंगे। पुलिस वाले, 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 पुलिस वाले। आप लोग अपने घर जाइए,
मास्टर जी की। मैडम, कोर्ट का ऑर्डर है, थोड़ी सी जल्दी है मैडम। ऐसी भी क्या जल्दी है, कल भी देख सकते हैं। नहीं मैडम, आरोपी ने बहुत से ऑफेंस किए हैं, ऐसा कोर्ट में साबित हो गया है। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो और भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए कोर्ट ने तड़ी पार करने का आदेश दिया है। अगर आप इसे जल्दी से देखकर जारी कर देंगी तो मेहरबानी होगी। के बारे में मुझे जरा डिटेल में बताएंगे? यस मैडम, इनका नाम सत्य प्रसाद उर्फ मास्टर जी है। इन्होंने सरकारी प्राथमिक शाला में 20 साल तक काम किया हुआ है मैडम। इन पर डबल मर्डर करने के जुर्म में कोर्ट में इनके खिलाफ केस चल रहा है। इनकी वजह से और भी बहुत से समाज घातक कार्य होने की शंका है कहकर कोर्ट ने इन्हें तड़ीपार करने का आदेश दिया है मैडम। सुनिए मैडम, कल आरोपी को मेरे सामने हाजिर कीजिए। यस मैडम। I'm sorry. It's okay. अच्छा, आप हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं, आप बोर नहीं होते? अगर ना पढ़ूं तो बोर होता हूँ, पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मतलब आपको पढ़ना पसंद नहीं है क्या? पढ़ना पसंद तो है, लेकिन आप जितना नहीं। नींद ना है तो पढ़ती रहती। अच्छा, तो आप नींद आने के लिए पढ़ती हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे आपको पढ़ते वक्त नींद नहीं आती क्या? आती है ना, मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। वो 4 घंटे की नींद मुझे पूरे दिन शक्ति देती है। बाकी वक्त मैं पढ़ता भी हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। अच्छा, आपका मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, फिर भी आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, हर चीज पढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है? कहीं आगे चलकर आपका आईएएस पढ़ने का इरादा तो नहीं है? नहीं नहीं, हम जैसे लोगों में ऐसे विचार या भावनाएं नहीं आती। पता नहीं मुझ में ऐसी क्या बात है, कोई भी किताब देखता हूँ ना तो उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाती है। किताब के पन्ने पलटते पलटते उसके अंदर की चीजें मेरे मन में छप जाती है, और कुछ सोचता नहीं, इसलिए सिर्फ किताबें ही पढ़ता रहता हूँ। पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था ना, नॉलेज इज पावर, इसलिए पावर बढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। आप रुक क्यों गई? पढ़ाई को इतनी आसानी और इतनी गंभीरता से लेने वाले व्यक्ति को देखकर मुझे
बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। सच कहूं तो मुझे आप एक अजूबा लगते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत पसंद करती हूं। सुरभि आ रही हो पिताजी? सुरभि यहाँ हो बेटी। आ रही हो पिताजी? क्या हुआ? ये सब क्या है पिताजी? तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए शर्मा जी से कहकर कुछ लड़कों की फोटो मंगवा ली। शादी की इतनी भी क्या जल्दी है पिताजी? तुझे तो अपनी फिक्र नहीं है ना, लेकिन मुझे तो है ना। लड़कियों की शादी जिस उम्र में होनी चाहिए हो जानी चाहिए, बस। उससे पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। बेशक पूरी करो, लेकिन लड़के को पसंद कर लो और एंगेजमेंट कर लेते हैं। पिताजी शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, अपनी पसंद बताऊं? बताओ ना बेटी तुम। वो मुझे किसी से प्यार हो गया है। कौन है वो? सत्य प्रसाद है क्या? आपको कैसे पता चला पिताजी? जब तुम रोज उसके बारे में बातें करती हो ना, तो तुम्हारा चेहरा कमल के फूल की तरह खिल जाता है। मैं रोज देखते आ रहा हूँ। अच्छा ये बात वो जानता है क्या? नहीं, आप ही को पहली बार कहा। बहुत अच्छी बात है बेटी, कल मैं जाकर उससे बात कर लूं। हाँ, आप कितने अच्छे हैं पिताजी। गुड गर्ल। पिताजी, मैंने कहा था ना, यही सत्यप्रकाश जी हैं और ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। खुश रहो बेटा, इतने दिन तुम्हारे बारे में सिर्फ सुनता रहा, आज तुम्हें देख भी लिया, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने भी सर आपके बारे में बहुत सुना है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो थोड़ा वहां चले। चलिए। मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करती कि तुम गणित में बहुत बुद्धिमान हो। ये सब आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैंने अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया है। अच्छा? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, कब कर रहे हैं? उसके लिए मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। मेरी राय जानना चाहते? हाँ, मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती, तुमसे शादी करना चाहती है। अरे सर, आपकी बेटी सुंदर है, सुशील है, पढ़े लिखी है, सारी खूबियां हैं उनमें। ऐसी लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, ये बात सुनकर मुझे गर्व महसूस हुआ। लेकिन उनके साथ जीवन गुजारने का भाग मेरा नहीं है सर। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? हम अलग जाति के हैं, इसलिए क्या? देखो, मैं ये जात पात नहीं मानता। लेकिन मुझे मानना पड़ता है सर। सरकार मुझे मेरी जाति के आधार पर जो पैसे देती है, उसी से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे पढ़कर काबिल बनना है, अपनी जाति का नाम रोशन करना है, हमारी जाति की ही लड़की देखकर शादी करनी है। लेकिन फिलहाल तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा सर।
मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए लिया हुआ कर्ज अब भी चुकाना बाकी है। मेरी दूसरी बहन की भी शादी करवानी है, घर की हालत सुधारनी है। इतनी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर है सर। उसके लिए तुम चिंता क्यों करते हो? आओ हम दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को पूरी करते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। धन्यवाद। मेरी जिम्मेदारियों का बोझ किसी और के कंधे पर लादना मुझे पसंद नहीं है सर। मुझे माफ कीजिए, मैं चलता हूं। मास्टर जी, आप पर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। आखिर आपने ऐसा किया ही क्या है जो ये लोग आपको तड़ी पार करना चाह रहे हैं? दुखी लोगों को दिलासा देना गलत है क्या? बताइए, हो रहे अन्याय को रोकना गलत है क्या? मास्टर जी, आप सिर्फ हां कहिए, इसी वक्त चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको यहां से लेकर जाऊंगा। मास्टर जी, कृष्णा, जज्बाती होकर अपने होश मत खो, अपने गुस्से को काबू में रखो। मेरा खून खौल रहा है मास्टर जी, बस आप हां कहिए, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। कृष्णा, तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, इनका काम करने दो इन्हें। मास्टर जी, देर हो रही है। इंस्पेक्टर, मैं बस दो मिनट इसके साथ शांति से बात करना चाहता हूं, नहीं तो ये परेशान होता रहेगा। ठीक है मास्टर जी, जल्दी आ जाइए। ए, इन्हें लेकर आ जाना, तुम लोग मेरे साथ चलो। देखो कृष्णा, मेरे बगैर अफसोस मत करना, मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें ही लोगों को रास्ता दिखाना हो, मेरी जगह तुम्हें लेनी है। आपको कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता मास्टर जी, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। कृष्णा, सब्र से काम लो, मेरी इस हालत की वजह तुम हो ये बात अपने दिल से निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। Ugh.